ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज पूरे ऑल ओवर कर्नाटका में स्टूडेंट्स डिमांड्स डे हो रहा है। आप लोग जानते हैं रिसेंटली 3 डेज बैक एक KEA सर्कुलर आता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो अभी एडमिशन कराने वाले हैं, कल उनका लास्ट डेट था। लास्ट डेट से ठीक 2 दिन पहले एक सर्कुलर आता है कि गवर्नमेंट फीस 10,000 बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ जो मैनेजमेंट फीस है वो 20,000 बढ़ा दी गई है स्टूडेंट्स की। आप ही सोचिए हम किस दौर से गुजर रहे हैं। आफ्टर कोरोना तो खाने के लिए भी मोहताज है, साथ ही साथ इस बार बारिश की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से हमारी 70% क्रॉप लॉस हुई है पूरे कर्नाटका में, गवर्नमेंट डाटा ही बताता है। तो ये जो ईयर चूज किया है KEA ने गवर्नमेंट फी बढ़ाने के लिए, इट इज़ कम्प्लीटली इल्लीगल विषय, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले प्राइवेट मैनेजमेंट फीस नहीं बढ़ाएंगे बोल के सर्कुलर आया था, तो फिर अभी ये फीस बढ़ाने की बात करते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली इनह्यूमन डिसीजन एंड इलीगल डिसीजन। दैट्स व्हाट AIDSO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और पूरे ऑल ओवर कर्नाटका में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, ये सारे इस डिसीजन को हम विरोध करते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अगर फीस नहीं कम की और जो 10 घंटे क्लासेस लेने की इनकी मांग है, अभी भी जो सिलेबस पढ़ा जा रहा है उसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ही प्रेशर है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इवन लेक्चरर्स को भी प्रेशर है। तो इसीलिए फीस इमिडिएटली कम कीजिए, साथ ही साथ जो 10 आवर्स बढ़ाने की मांग है उनकी वापस ले लीजिए बोल के AIDSO का मांग है। अगर नहीं लिया गया तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा बोल के बोलना चाहेंगे शिल्पा बी के, AIDSO डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेम्बर। आज DC ऑफिस में हम सब लोग जमा होने का मकसद ये है कि एक रूल, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी से एक रूल आया है, जो सडन रूल का आज लास्ट डेट यानी कि 2 दिन पहले एक रूल लाए हैं वो लोग कि एग्जामिनेशन जो हमारी एग्जाम से सीट अलॉट होती है इंजीनियरिंग सीट, उसमें फ़ी हाइक किए हैं 10,000। तो ये एक अचानक फ़ी हाइक करना अफोर्डेबल नहीं है, कोई पे नहीं कर सकता इमीडिएट विदाउट इंटीमेशन ये लोग फ़ी हाइक किए हैं, तो इसके खिलाफ हम सब लोग मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं विधानसभा में। हम इस रूल के खिलाफ हैं, तो हम आपके जो नोटिस है हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कर्नाटका एजुकेशन बोर्ड से कि आप लोग ये रूल को विड्रॉ कीजिए, आपके नोटिस को विड्रॉ कीजिए बस। और ये कोविड के बाद फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के बाद लोगों के हालात नहीं हैं पे करने के, फीस कोई अफोर्डेबल नहीं कर सकता, अचानक से फीस हाई करना। तो आप लोगों की डिमांड, हम लोगों की डिमांड यही है कि फीस को हाइक मत कीजिए, क्योंकि देखिए एक मिडिल क्लास ये सिचुएशन को सिर्फ वही स्टूडेंट फेस कर सकता है जो मिडिल क्लास हो और जो पुअर है, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का है, जो अब तकरीबन और प्लस इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस की टाइमिंग है वो भी एक्सटेंड किए हैं, तो ये एक इनह्यूमन है, हम लोग इसको नहीं मानते ये चीज़ को। हम लोग नहीं माने तो क्या करना है आपको? हम लोग इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे में। ये जो फीस भराई गई बढ़ाई गई है, जो गवर्नमेंट सीट है उनकी 10,000 रुपये बढ़ाई गई है और जो मैनेजमेंट्स है उनकी 20,000 रुपये बढ़ाई है, तो यही कहना चाहेंगे कम तो होना ही होना है। ये डिमांड है पूरे स्टूडेंट्स की और पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और बाहर जितने भी हैं, जितने अलग अलग कोटेशन अलग अलग फीस जो बढ़ाई है, हर कोई फीस कम करो बुरा वो तो है, कम तो करना चाहे, लेकिन उसके साथ बेसिक जो मेरा 20,000 बहुत ज़्यादा हो गया मैनेजमेंट वालों को, मैं खुद मैनेजमेंट वाला हूँ, 20,000 कहाँ से लाना, पेरेंट्स के पास उतने पैसे किसके पास भी नहीं है। जो कोविड जो सेकेंड वेव आया था, लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन आया था जो कर्नाटका में, उसकी तरफ से बहुत जो बिजनेस हैं, हर किसी के बिजनेस, किसके भी एक के नहीं बोल के नहीं, हर किसी के बिजनेस जो है कम हो गए हैं। ये फीस क्यों बढ़ाई गई? फीस बढ़ाई गई है हर चीज़ में बढ़ाई गई है, पॉलिटेक्निकल और हर इसमें जितने भी गवर्नमेंट कोटा निकालती है गवर्नमेंट, उसमें 10,000 की इंक्रीज की गई है। क्या बात है, क्यों निकाला गया 10,000 रुपये, हम कहाँ से लाएँ इतने पैसे, हर कोई कहाँ से लाए 10,000 क्यों लाए? और थोड़े जनों की स्कॉलरशिप भी नहीं आई अभी, NSP और SSP की लेट इतनी लेट करे थे कि वो
फॉर्म भरते टाइम पे बहुत लेट कर रहे थे, अब एनएसपी के टाइम पे हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई। हम लोगों की तकरीबन हमारे बैच में 108 केबीएन स्टूडेंट, केबीएन यूनिवर्सिटी में 108 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से खाली 30% लोगों को आई, 29 जनों को स्कॉलरशिप आई, वो स्कॉलरशिप भी दूसरे जनों को आई नहीं। फिर हम लोगों का कैसा भरना, ये बोलिए आप। गवर्नमेंट से ये अपील है कि सर आप फीस का जो बिल निकाले हैं उसको वापस कीजिए, सबको सहूलत हो गई, क्योंकि हम फ्यूचर हैं आप लोगों के सेक्टर में आने वाले हैं, आईटी सेक्टर में आने वाले हैं हम लोग, इंशाल्लाह हर कोई अपने फील्ड से, अपने हर ब्रांच से आया सो है। यही है कि हम लोग दूसरे कॉलेजेस से, वेरियस कॉलेजेस से हैं, दूसरे ब्रांच से हैं, मैकेनिकल, सिविल, सीएस, बायो, इंजीनियरिंग, टोटल ऑल पॉलीटेक्निकल के लोग हैं। तो वही है, कम मतलब निकाल ही दीजिए वो बिल जो है आपका। हम लोगों का पूरे स्टूडेंट का सजेशन है कि आप निकाल दीजिए, क्योंकि बर्डन होता है, बर्डन बहुत ही होता है पेरेंट्स पे, हम लोगों पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कॉलरशिप नहीं आई, स्कॉलरशिप का भी दीजिए, स्कॉलरशिप जो लास्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर की, जो 2021 बैच का जो इंजीनियरिंग और ब्रांचेस के जो हैं पॉलिटेक्निक, उसकी स्कॉलरशिप नहीं आई, स्कॉलरशिप भी होना है हमको। और जो स्कॉलरशिप और बेसिक नीड्स जो 10 आवर्स जो बोल रहे हैं, 10 आवर्स नहीं होगा, 10 आवर्स, 7 आवर्स, 6 आवर्स, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम लोगों को भी रहता